हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग बनाने जा रहे हैं सुपर समर ड्रिंक। ये ड्रिंक बनाने में जितना इजी है, पीने में उतना ही टेस्टी है, हेल्दी है और मल्टी न्यूट्रिशन से भरा हुआ है। ये ड्रिंक गर्मियों में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इस ड्रिंक को हम दो तरह से बनाएंगे, एक मीठा और एक नमकीन। ये ड्रिंक यूपी बिहार में गर्मियों में पिए जाने वाला बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर ड्रिंक है और ये यूपी बिहार का बहुत ही पॉपुलर समर स्ट्रीट ड्रिंक भी है। वैसे आप में से काफ़ी लोगों ने इस सुपर समर ड्रिंक को गेस कर लिया होगा और मैं भी अब बता देती हूँ आप लोगों को कि आज हम बना रहे हैं सत्तू का शरबत। सत्तू का शरबत बनाने में जितना इजी है, पेट के लिए उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है। वैसे सत्तू अपने आप में एक कम्प्लीट हेल्दी फूड है। इसमें मल्टी विटामिन पाया जाता है, B12, प्रोटीन, आयरन और भी काफ़ी चीज़ें इसके अंदर पाई जाती हैं जो कि हमारे शरीर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देती हैं। सत्तू डायबिटीज़ और वेट लॉस के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है, तो आप इसे एक हेल्दी फूड की तरह भी ले सकते हैं। यदि आप इसे एक गिलास सुबह पी लेते हैं मेरे बताए हुए तरीके से, जैसा कि मैंने वीडियो में बताया है, तो आप पूरे दिन एनर्जी से भरे हुए रहेंगे। धूप में निकलते हैं तो आपको लू लगने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे और इस ड्रिंक को पीने के बाद भूख भी कम लगती है, तो आप इस ड्रिंक को गर्मियों में ज़रूर ट्राई करें। तो फिर चलिए फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। सुपर समर ड्रिंक को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए सत्तू। तो अभी आप पूछेंगे कि सत्तू क्या है, तो सत्तू ये रोस्टेड चने का पाउडर होता है जिसे कि पीस करके बनाया जाता है। आप इस सत्तू को घर में भी बहुत ही आसानी के साथ बना सकते हैं। मार्केट से रोस्टेड चने लाकर किए और उसको मिक्सर ग्राइंडर में आप उसे पीस लें और उसका पाउडर बना लें, या फिर मार्केट में भी ये बहुत ही आसानी के साथ अवेलेबल है। तो यहाँ पर मैं जो पैकेट आपको दिखा रही हूँ, ये मार्केट से ही मैं लेकर के आई थी और उसी का मैं शरबत बनाऊँगी। अभी सबसे पहले हम यहाँ पे एक गिलास ले लेंगे और उसमें आधा गिलास हम पानी भर लेंगे। अभी हमें पूरा फुल गिलास पानी नहीं भरना है, नहीं तो जब हम सत्तू इसमें डालेंगे तो सत्तू के लम्स बन जाएंगे, अच्छी तरह से घुलेंगे नहीं। अब हम इस गिलास में 2 से 3 चम्मच सत्तू डाल देंगे। सत्तू कम से कम 50 ग्राम होना चाहिए। सत्तू की क्वांटिटी आपके ऊपर भी है, आप थोड़ा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इस सत्तू को हम पानी के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरह से हमें घोल लेना है इसे। तो ये देखिए हमारा सत्तू अच्छी तरह से घुल गया है, इसमें कोई भी लम्स नहीं है। अब हम इसमें बाकी के मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आधा छोटा चम्मच काला नमक डाल रही हूँ, आप नॉर्मल नमक भी डाल सकते हैं। इसके बाद हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे 1 छोटा चम्मच बारीक कटा हुआ प्याज। ये भी पूरी तरह से ऑप्शनल है, यदि आपको प्याज पसंद है तो आप ज़रूर डालें, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इसके बाद मैं यहाँ पे डाल रही हूँ आधा छोटा टुकड़ा बारीक कटा हुआ हरी मिर्च का। यदि आपको चटपटा टेस्ट चाहिए तो आप ज़रूर डालें हरी मिर्च। इसके बाद हम यहाँ पे डाल रहे हैं पुदीने के पत्ते, तो थोड़े से पुदीने के पत्ते को मैंने बारीक कट कर लिया है, आप तोड़ करके भी डाल सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे 1 से 1.5 चम्मच लेमन जूस। लेमन जूस भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अब इन सभी को हम मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें पानी डाल देंगे और इसे ग्लास फुल कर लेंगे। अब इसको हम मिक्स कर लेते हैं एक बार और ये हमारा जो सत्तू का शरबत है नमकीन वाला वो रेडी हो चुका है। तो इसमें जितनी भी चीज़ें मैंने डाली हैं वो सभी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हैं और गर्मियों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। तो आप इन सभी चीज़ों को डाल करके इस स्पेशल सुपर समर ड्रिंक को ज़रूर बनाएं और इन गर्मियों में होने वाले परेशानियों से दूर रहें। तो हमारे ये ड्रिंक रेडी हो गया, हम इसे साइड में रख देते हैं। अब हम बना लेते हैं सत्तू का मीठा शरबत। तो मीठे शरबत के लिए भी आधा गिलास पानी हम भर देंगे। इसके बाद हम इसमें भी 2 से 3 चम्मच सत्तू का डाल देंगे। ये शरबत बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। इसको भी मिक्स कर लेते हैं, इसको लम्स फ्री कर लेते हैं। तो ये भी अच्छी तरह से घुल गया है पानी के साथ। तो अब हम यहाँ पे इसमें डालेंगे 1 चम्मच शहद। यहाँ पे आप गुड़ भी डाल सकते हैं, शुगर भी डाल सकते हैं, लेकिन शहद चूँकि हेल्दी होता है तो हम यहाँ पे शहद ही डालेंगे। शहद डालने से इसे कोई भी पी सकता है, डायबिटीज़ वाले भी पी सकते हैं। तो आप भी कोशिश करें कि इस शरबत में आप हनी ही ऐड करें।
इसके साथ ही हम डाल देंगे इसमें लेमन जूस। तो यहाँ भी एक से डेढ़ चम्मच हम लेमन जूस डाल रहे हैं। लेमन जूस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। इन सबको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। जैसे ये सभी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगी, इस ग्लास को भी हम पानी से फुल कर लेंगे। इसके बाद इसमें ऐड कर देंगे थोड़े से कटे हुए पुदीने के पत्ते। पुदीने के पत्ते का तासीर जो है वो ठंडा होता है, पेट के लिए भी अच्छा होता है और टेस्ट में भी अच्छा होता है, तो आप पुदीने के पत्ते को ज़रूर डालें। इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। ये शरबत ये हमारा रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे मीठा और नमकीन दोनों ही तरह के सत्तू के शरबत को हमने रेडी कर लिया है। तो फ्रेंड्स, इन गर्मियों में आप इस तरह से सत्तू के शरबत को बनाएं और इन्जॉय करें गर्मियों को। मुझे उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो यदि मेरे वीडियोज़ आप लोग को अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो फिर चलिए मिलते हैं इसी तरह के किसी अच्छे हेल्दी और टेस्टी रेसिपी के साथ।